कराची की रोशनियों की बहाली और तामीर तरक्की का बड़ा मंसूबा। पहले फेज में 32 सड़कों, पुलों, अंडरपासेस की तामीर मरम्मत होगी। तमाम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। फंड्स की कोई कमी नहीं, मेयर कराची ने वाजह कर दिया। मुर्तजा वहाब का जिना ब्रिज का दौरा, पुल पर होने वाली कारपेटिंग और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब का मेवा शाह कब्रिस्तान में जारी कामों का भी जायजा। मेयर कराची अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरस्त। मनोड़ा साहिल पर एक ही खानदान के चार अफराद डूब गए। भाई और दो बहनें आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ वकारीब और दीगर शहरियों के शिरकत। जामा अफराद में 24 साल माज, 20 साल हिफ्सा और हिबा शामिल। माज सॉफ्टवेयर का तालिब इल्म था। लापता गुलाम मुस्तफ़ा की तलाश के लिए ऑपरेशन रात को रोक दिया गया। मुस्तफ़ा मलिर का रियासी था। वहीं यहाँ आया था ससुराल वालों के साथ घूमने, पिकनिक मनाने। तो उनके ससुराल वालों को तीनों बच्चियाँ मिली, दो बच्चियाँ एक बेटा मिल गया था उसका, जो साला अक्तर घर वाले वो मिल गए थे, बट मुस्तफ़ा अभी तक नहीं मिला। 4 बजे से रेस्क्यू चल रहे हैं। अभी जो 3 डेड बॉडियाँ मिली है, एक मुस्तफ़ा भी मिसिंग है, उसकी कोशिश जारी है। हम सर्च कर रहे हैं कि अभी पानी में बंदा वो डूबा, तकरीबन उसमें कम से कम 24 घंटे का मतलब हमारा मतलब एक होता है कि उसके बाद जो है उसको पानी क्या पानी के सतह पे नजर आ गया तो हम ले आएंगे। कराची में डकैती की वारदातें कम ना हुई। लाइन एरिया में दो डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए। दोनों डाकू को पुलिस ने तहवील में ले लिया। असला बरामद। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्जमान की शिनाख्त वसीम और अजीज़ुर्रहमान के नाम से हुई। शेरशाह में CTD की कार्रवाई। DSP अली रसा के कत्ल में मुलव्वस दो मुल्जमान मुकाबले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों कासिम और उस्मान का ताल्लुक अलअदम तंजीम से निकला। जदीद असला, खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद। इन चार CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द 35 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस थे। कब्जे से टारगेटेड लिस्ट भी मिली। शहर में तखरीबकारी का मनसूबा बना रखा था। वजीर दाखिला सिंध की DIG CTD को दिलेराना कारकर्दगी पर शाबाश। बरतानिया के सिंध में तालीमी मयार बेहतर बनाने में ताबुन की पेशकश। बरतानिया के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों की सिंध असम्बली आमद। वफ की स्पीकर अवैस कादिर शाह और वजीर तालीम सरदार अली शाह से मुलाकात। तालीम, टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सरदार अली शाह ने सादसा की जदीद तरबियत के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स पर बात की। गैस ना पानी, कराची में घर घर की कहानी। औरंगी टाउन, करंकी और लांडी में बिजली गायब। शेरपा कॉलोनी और शेरशाह में चूल्हे ठंडे। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। गैस ना होने से लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। रणछोड़ लाइन मार्केट में 11 घंटे तक लोड शेडिंग, कारोबार करना मुश्किल हो गया। ताजरों का इजहार तशवीश। अच्छा, यहाँ पर जो लाइट के हवाले से बात है, हमारे कारोबारी जो टाइम है उसके मुताबिक जो ना तकरीबन 5 और 6.5 घंटे की लाइट है। इसके अलावा लाइट नहीं होती हमारे यहाँ। भाई लाइट तो होती नहीं है, डेढ़ घंटे लाइट आती है, पूरे दिन लाइट नहीं होती। अब इस तरह हम लोगों ने बैटरी ली है, बैटरी लगा के काम चल रहे हैं और अभी आप देखें 2 बजे मार्केटें खुली है, लाइट चली गई। एक्सपो सेंटर में आलमी डेट पाम फेस्टिवल इख्तिताम पसी। मिस्र, उर्दन, मराकेश, मेक्सिको की खजूरों की नुमाइश की गई। सिंध की खजूरों में कपरो, करबलाई, शकरी, असील, काबले जिक्र। बलोचिस्तान की खजूरों में मखवली, रबाई, बेगम चंकी और जहद शामिल। फॉरम मालिक शमसुद्दीन बोले, वजरस्तान में सालाना 100 टन खजूर पैदा होती है। ANP सिंध के अहम रहनुमा की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सैद गनी और वकार महदी ने खुश आमदीद कहा। वजीर बलदियाज सैद गनी कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरस्त। मुल्क मुखालिफ किसी भी इकदाम की हिमायत ना करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालतों की हिमायत कर दी। PTI पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। मैं जाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर की हैसियत से नवाज मोहम्मद खान को, उनके तमाम साथियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम करता हूँ, शामिल कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि नियाज़ुल खान साहब एक मजेबे सियासी कारकुन हैं और इनकी और इनके साथियों की शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में मजीद तकवीत मिलेगी।
गवर्नर सिंह से इस्लामाबाद के साफियों की मुलाकात। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अजहर जतोई वफ की क्यादत कर रहे थे। गवर्नर सिंह का इस्लामाबाद में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आईटी क्लासेस शुरू करने का इंदिया। जल्द नेशनल प्रेस क्लब का दौरा करने, जिम बनाने का ऐलान। कराची चैम्बर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शरह में कमी का मुतालबा। सदर जावेद बलवानी बोले, सिंध हुकूमत शरह 2% कम करके मुंतमित कर दे, सियासी में इजाफे से सनतों पर बोझ पड़ गया। हुकूमत रिलीफ देकर मुलाजमतें महफूज बनाए। बॉडीज इलेक्शन, उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। होलसेल ग्रॉसर्स ने इलेक्शन 19 अक्टूबर को होंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम फिर सदर की नशिस्त पर किस्मत आजमाएंगे। इलेक्शन जीतकर मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। अपनी टीम की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया। जो हमारे मुखालिफ ग्रुप आ रहा है, मुखालिफ क्या बरे हमारे ही दोस्त हैं, लेकिन ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या खिदमत देंगे? अब कोई नई बात ला रहे हैं तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को देखें, और अगर वो रऊफ इब्राहिम ने काम किया है तो जरूर वोट डालें। शहर को सरसब्ज और दिलकश बनाने का मिशन। गुलबर्ग टाउन ने सबको पीछे छोड़ दिया। रवा साल फूलों की 7वीं नुमाइश के लिए तैयारियां तेज। डायरेक्टर पाक नदीम अनीफ बोले, 100 से ज्यादा रंगों पर मुश्तमिल 1,00,000 से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। गुले दाऊदी जो क्रेंसेंथेमम फ्लावर शो है, मुख्तलिफ मौके पे बताया है मैंने कि ये 3 फ्लावर शोज होते हैं पाकिस्तान में। TMC गुलबर्ग वो वाहिद TMC है पाकिस्तान में जो इस फैमिली का, इस वैरायटी का डिस्प्ले करती है। कराची वालों के तफरी मकामात पर डेरे, छुट्टी का मजा दुबला करने के लिए साहिल समंदर पर शहरियों का रश। कोई घुड़सवारी तो कोई लहरों से महसूस होता रहा। शहरियों का कहना था, छुट्टी के रोज साहिल समंदर पर आकर अच्छा लगता है। और दिल का ख्याल दिल से करें, दिल की सेहत के लिए साइकिल रेस। 500 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। रेस सिंध मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर डिफेंस फेज 2 पर इख्तिताम पजीर हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बशीर बोले, इवेंट का मकसद सेहतमंद जिंदगी का पैगाम देना है। बेहतर जिंदगी के लिए रोज 40 मिनट साइकिल जरूर चलाएं। दिल की बीमारियाँ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान में तो बढ़ती ही जा रही हैं, और नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ये, और इसीलिए हर साल वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे मनाती है, और मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए।